हाय बच्चों, मैंने इतनी मेहनत की है कि देखिए, मैं डिटेल्ड नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ और मैंने ये ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2-3 डेज ये पूरा मटेरियल आप लोगों के लिए शुरू किया है कि अगले 100 डेज का हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि हम लोग अक्टूबर में अपना सारा सिलेबस खत्म कर लें। अगर हमारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीनों में अगर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है जस्ट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो जैन फेब मार्च अप्रैल हमारे पास 4 मंथ्स रहेंगे रिवीजन के, जिसमें इजीली हम 7 to 8 times जो है रिवीजन कर सकते हैं एंड बाय 5th May वी विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। तो क्या करना है चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आई विल कीप राइटिंग, इसलिए मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है, सो दैट आई कैन राइट डाउन एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में कि क्या 100 डेज, देखो ये 100 डेज की स्ट्रैटेजी हो सकता है कोई टीचर आपके लिए जनवरी के महीने में बनाए। अब आप सोचोगे, मैम अभी तो हमारे पास 6 महीने हैं, अभी से 100 डेज की स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जो 10 डेज अभी सितंबर के बचे हैं, आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। सो सबसे पहले अपने मन से कोई भी डाउट हटा दीजिए कि 100 डेज में सिलेबस नहीं हो सकता। आई कैन गारंटी यू, अगर कोई आपको अप्रैल में आप किसी बच्चे से पूछो और उसको बोलो मैं तुझे वापस सितंबर में जाके छोड़ता हूं, क्या एग्जाम क्रैक हो जाएगा? वो बच्चा बोलेगा यस मैम, 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो प्लीज हैव नो डाउट दैट यू नो एग्जाम विल बी क्रैक, मतलब 100%। पर एक चीज जो आपने आज से बंद करनी है वो है प्रोक्रेस्टिनेट करना। अगर अभी भी आप अपनी ओल्ड टेम्परमेंट के हिसाब से चलते रहोगे, अपनी लाइफ में वो लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करोगे जो आपको इनेबल करेंगे पढ़ने के लिए, तो 100, 200, 500 डेज सब वेस्ट है। आपको यू हैव टू एब्सोल्यूटली टर्न ओवर अ न्यू लीफ टुडे। कैन यू इमेजिन, मैं 100 डेज का स्ट्रैटेजी वीडियो 10 या 12 मिनट में खत्म कर दूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू से दैट इज आई वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इट इज गोइंग टू बी प्योर लॉजिक। ये करना है, ये नहीं करना है, बस इधर उधर की कोई बात नहीं, इनमें से पॉइंट्स उठाइए, टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन रीडिंग इररेलेवेंट या अनवांटेड कंटेंट। आप पढ़ते तो रहोगे पर वो जरूरी नहीं है। आप उन किताबों से नहीं पढ़ रहे हो जो आप रिवाइज कर पाओगे, आप उन किताबों से नहीं पढ़ रहे हो जहां से एग्जामिनर ने एग्जाम में पेपर बनाना है। तो आज से ये डाउट अपने मन में छोड़ दो कि इज इट इनफ मैम, कैन आई स्टार्ट नाउ, आज से पूछना ही नहीं, बस सोचना है मेरे पास जितना टाइम है मुझे क्रैक करना है। आज से आपने प्रोकास्टिनेट करना छोड़ देना है और फालतू की चीजों पर, इररेलेवेंट चीजों पर टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर मैं आती हूं बायो पे, तो बायो में तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगी, ब्लाइंडली ट्रस्ट अस एंड फॉलो अस, राइट? आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, फॉलो। लगभग आप देखिए, मैं आपका 10th अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगी, उसके बाद आपकी 30 डेज के अंदर मतलब आप 15 नवंबर तक मैं आपको 11th की और 12th की दोनों की आपको मैं एनसीईआरटी करवा दूंगी, राइट? इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे आपका जेनेटिक्स, राइट, उनके वन शॉट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लेक्चर्स प्लान करते हैं, जैसे जेनेटिक्स, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे सेल सेल डिवीजन, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं डिटेल में आपको करवाऊंगी, राइट? इनको मैं रीडू करूंगी। आपने क्या क्या करना है, राइट? आप अभी सेल्फ स्टडी पे अपनी एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए दबाकर। ये जो लेक्चर्स बन रहे हैं एनसीईआरटी प्लस लेक्चर्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप घर में वेरी वेरी स्मॉल नोट्स पर फोकस कीजिए जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। जब आप एनसीईआरटी घर में बैठकर अपने आप करोगे, तो आप फोकस करो कि यार एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स पे, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पे, मतलब आप अपने आप एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ना शुरू करो। कल परसों मैंने एक लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली सीरियसली बोला था आप लोगों को कि चाहे जो मर्जी हो जाए, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे। पेपर एनटीए कैसे बनाता है वो मैंने स्पेशली एक लेक्चर देखा है, पेपर कहां से आएगा, टफ होगा, उसमें देखो कैसे इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं।
इसके अलावा मैं क्या चाहती हूँ आप क्या करिए, सो आपका एनसीईआरटी जब हो जाए, इसके अलावा मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहती हूँ जो आप करिए, वो है पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, ये आपको करने हैं, राइट? दिस इज योर प्लान। जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर करवा रही हूँ क्लास में, उसके आप एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आपके स्मॉल नोट्स, और हर तीसरे चौथे दिन बैठिए, किताब खोलिए, 300-400 क्वेश्चन के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एमसीक्यूज खत्म कर लीजिए। अगर आपने वाणी मैम की एमटीजी वाली बुक ली है तो 250-300 क्वेश्चन उसमें है, राइट? तो इन चीजों पर आप डेप्थ में, डिटेल में फोकस कीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये थी बात बायो की। अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट अस मूव टू फिजिक्स। यार हमें फिजिक्स में क्या करना है, राइट? फिजिक्स के लिए तो मैं लिख रही हूं, सबसे पहले फिजिक्स में कोई टीचर पकड़ो, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स खुद नहीं होगा, फिजिक्स जैसे आप, यू नो, मैं बोल रही हूँ यार, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो, क्योंकि जब आपने मेरी क्लास बायो की सुन ली, उसके बाद जाकर जब आप एनसीईआरटी करोगे, आपको बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर या तो यूट्यूब में, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये काम आपको करना है, ताकि जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट हैं, आप उन वीक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ तो पाओ, तो अगले 90 डेज में आपने कोशिश करनी है कि जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एटलीस्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। अब टू डू फॉर यू एट होम, हर चैप्टर का जो आप करते जा रहे हो, आप इसकी समरी शीट बनाओ। इन समरी शीट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते, कोई ट्रिक आपने सीखी है, कोई एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी है, कोई एनसीईआरटी का फैक्ट, इनफैक्ट कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी बुक्स पे, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, इनमें आपके आपके सारी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, राइट? और फिजिक्स में आप पीवाईक्यूज एटलीस्ट 15-20 इयर्स के करना शुरू कीजिए। दिस शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझने हैं, राइट एवरीबॉडी? कॉन्सेप्ट आर द किलर थिंग्स, और वो करने के लिए अगर मुझे नहीं समझ में आ रहे, मुझे जाकर एक टीचर ढूंढना है। वो टीचर मेरा ऑफलाइन हो सकता है, वो टीचर मेरा ऑनलाइन हो सकता है, वो टीचर लाइव हो सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकते हैं, और जो जो मैं पढ़ता जा रहा हूं, आई हैव टू डू समरी शीट, राइट? ताकि इनसे मैं आगे चल के रिवाइज कर सकूं। इन समरी शीट में मेरे सॉल्व के ट्रिक्स होने चाहिए, इन समरी शीट में मेरे एनसीईआरटी के फैक्ट्स होने चाहिए, जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर के फैक्ट्स, एनसीईआरटी के ग्राफ्स के कोई फैक्ट, एनसीईआरटी अवॉइड नहीं करनी है। मैंने अभी बोला मैं बुक्स पे भी एक लेक्चर लेने वाले हूं। इसके अलावा मुझे फॉर्मूला शीट होनी चाहिए और 15-20 इयर्स के मुझे पीवाईक्यूज करने हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री पे तो मैं बहुत डिटेल में आपके लिए वीडियो का पूरा इंफॉर्मेशन बनाकर लेकर आई हूं। सबसे पहले क्या इनऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक, क्या फिजिकल, तीनों की आपने एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, राइट? इन दोनों में तो एनसीईआरटी इज पैरामाउंट, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। जो आपका पढ़ाई स्टार्ट करने का ऑर्डर होगा, तो आपने सबसे पहले फिजिकल उठानी है, उसके बाद इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक, जो भी आपका ज्यादा वीक है, राइट एवरीबॉडी? और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बच्चों, इसमें अगले 3 महीने के लिए जस्ट डू एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स उठाइए सबसे पहले, आपका SPDF एक साथ कीजिए, इनके फटाफट जाकर नोट्स बनाइए, राइट एवरीबॉडी? फटाफट जाकर इनके नोट्स बनाइए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। मैं बता रही हूं आपको, जो भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप अगले 3 महीने में इसका 5-6 रीडिंग्स लगा दीजिए फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इसकी 5-6 जब रीडिंग लगाई, इसको बहुत क्रिस्प करके, इसको बहुत कंसाइज करके, आप इसके नोट्स बना दीजिए, जो आपके होने चाहिए 11-15 पेज नोट्स ऑफ एनसीईआरटी।
आप देखना आपके नंबर कैसे आएंगे, कितने बढ़िया तरीके से आपके नंबर आएंगे एग्जाम में, बहुत फायदा होगा आपको इसका। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, एक एक रिएक्शन, उसका एक एक रिएजेंट, उसका क्या टेम्परेचर होता है, क्या चेंज, सब कुछ आप लगभग 15 पेज नोट्स बना दो, सारा कुछ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आप करिए। और इनके लिए भी, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए, इन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के आपके कम से कम 3 रीडिंग्स लगनी चाहिए, केमिस्ट्री और बायो के एनसीईआरटी की कम से कम 6 रीडिंग्स लगनी चाहिए अभी आपकी, और इन तीनों के एटलीस्ट आपने 15 इयर्स के पीवाईक्यूज 3 टाइम्स सॉल्व करने हैं। दिस शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 90 डेज ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 10 डेज ऑफ योर सितंबर। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ डोंट्स बताना चाहती हूं कि भैया जो करना है तो ठीक है, क्या नहीं करना है, राइट? डोंट्स, सबसे पहले मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है, एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना है, नोट मेकिंग को अवॉइड नहीं करना है, राइट? ये तीन चीज आपने नहीं, ब्रेक लेनी है ले लो, किस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा कर लो, बट आपने टेस्ट देने हैं, भले आप टेस्ट घर बैठ के पीवाईक्यूज दीजिए, एनसीईआरटी पढ़नी है, भले ही बोरिंग लग रही हो, पैसिव नहीं पढ़नी कि बैठ के पढ़ रहे, एक्टिव रिकॉल बंद करिए, याद करिए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पे येलो पेजेस लगाइए, राइट? एंड नोट्स करने हैं फॉर एमसीक्यूज। प्लीज स्टे काम, नेगेटिविटी को दूर भगाओ, हो जाएगा, टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, राइट? कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब वीडियोस, जस्ट टेल मी। बार बार जब टेस्ट दोगे, जब पेपर सॉल्व करोगे, अपनी मिस्टेक्स क्या है उन पे रिवर्क करो, कौन सी बुक्स पढ़नी है और मिस्टेक्स पे कैसे रिवर्क करना है, दो वीडियोस कल और आ रहे हैं, प्लीज देखना मत भूलिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।